हेलो दोस्तों, नमस्कार। गीता सिन्हा चैनल में स्वागत है आप लोग का। आज मैं स्टिचिंग पैटर्न का एक पार्ट लेकर आई हूँ। पेंसिल पेंसिल पेंट हम आज कटिंग करेंगे और स्टिचिंग भी करेंगे, तो मैं दोनों दिखाने वाली हूँ। अभी चलिए हम कट करते हैं। इसका पिक आप देख सकते हैं, ऐसा ही हमें बनाना है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसकी मेजरमेंट्स लेते हैं। तो उसके लिए हमें इसे चार फोल्ड करके रखना है। तो पहले हम इसे चार फोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने फोर फोल्ड कर लिया है, 1 2 3 और इसमें है 4। तो इस तरह से हमें सेट कर लेना है। अब हम मार्किंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें लंबाई लेनी है। जितनी आपकी लंबाई है उतना पे पहले आप एक मार्क लगाइए। तो हमें इसकी लंबाई है 32। देखिए मैं अब करके दिखाती हूँ आपको। 32, देखिए 32 है हमारी। पहले हम 32 पे एक मार्क लगाएंगे, ओके। उसके बाद हम मार्जिन लेंगे दोस्तों। तो नीचे हमारा 2 इंच रहेगा एक्स्ट्रा, और ऊपर हमें रबड़ यानी इलास्टिक लगाने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो 32 में हमारा 4 इंच और आएगा, तो 36। 36 पे हम एक और मार्क लगाएंगे। ये हो गई हमारी लंबाई फ्रेंड्स। अब हम आएंगे चौड़ाई की तरफ। तो हमारा हमने ये हमें बनाना है पेंसिल पेंट। पेंसिल पेंट के लिए कमर पहले आप ले लीजिए। आपकी कमर कितनी है? हमारी कमर है 32। 32 और हमने फोर फोल्ड रखा है दोस्तों। तो फोर फोल्ड 32 का हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 32, तो 8 हो जाएगा। तो इस अनुसार 8 पे पहले हम जाएंगे, और हमारा कमर का जो मेजरमेंट है उसमें हम मार्जिन लेंगे। 8 में हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो कितने हो जाएंगे? देखिए 11, 11 पे हम मार्क लगाएंगे, ओके। ये हो गया हमारा 11। अब हम आएंगे दोस्तों नीचे की ओर। हमारा फोर फोल्ड है ये, तो नीचे की ओर हमारा रहेगा। ऊपर हमने रखने हैं 2 इंच मार्जिन, तो हम सब मिला कर लेंगे 14। 14 पर हम एक मार्क लगाएंगे, और इसे हम एक डॉट डॉट डाल लेंगे इस तरह से, ठीक। अब हम आएंगे दोस्तों, ये हमारा 2 इंच, तो इसे भी हम मार्क कर लेते हैं। 2 इंच जो हमारा है ऊपर का, 2 इंच ये हमारा हो गया। वो 2 इंच बेल्ट, 2 इंच बेल्ट, और ये हमारा नीचे का। यहाँ पे आप स्केल भी लगा सकते हैं। मैं स्केल लगा लेती हूँ एक, ये लाइट। और अब हम आएंगे नीचे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमारी थाई, यहाँ से हमारी थाई की मेजरमेंट चलेगी। तो हमारी थाई है 20, उसमें हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। ये हमारी थाई का मेजरमेंट्स रहेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो थाई हमारी है 20 20, यानी कि हमारा हो जाएगा एक पैर का 20 है, तो उसका हाफ हो जाएगा 10 10। देखिए इसमें दोनों पैर का ऐड है, क्योंकि हमने चार फोल्ड करके रखा है। 10 और 2 इंच आप एक्स्ट्रा लीजिए, यानी कि 2 इंच और जाएगा, यानी 12। इस तरह से हमारा ये थाई का हो गया दोस्तों। ये हमारी हो गई थाई 12 इंच, ठीक है। अब हम आएंगे नीचे की ओर। तो सबसे पहले हमें ये पेंसिल पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसमें नीचे का है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कमर कमर से हमें एक लाइन डालनी है। तो पहले हम कमर को देख लेंगे। हमारा ये कमर का है, तो यहाँ पे हम एक स्केल लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से सेंटर निकालेंगे दोस्तों। पेंसिल पॉइंट का मेजरमेंट्स इस तरह से होता है। एक पहले आप सेंटर निकालिए, तो इस तरह से आप सेंटर निकाल सकते हैं। मैं इस तरह से ही निकालती हूँ। इस तरह से इजी होता है और सही से निकल जाता है। देखिए ये हमारा सेंटर हो गया, और इसी सेंटर से हम नीचे की ओर जाएंगे और एक लाइन डालेंगे। तो हमारा सेंटर पे कितना है दोस्तों, नंबर हम देख लेते हैं, क्योंकि लाइन डालने में थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाता है।
साढ़े पांच। ओके यहाँ पे हमारा साढ़े पांच है। हम नीचे अब साढ़े पांच पे, ये हमारा पॉइंट है नीचे का कॉर्नर, यानी कि मोरी बोलते हैं। अब हम यहाँ पे देखे साढ़े पांच पे हम नीचे भी यहाँ पे पॉइंट मारेंगे पहले। ओके साढ़े पांच, और इधर से भी हम साढ़े पांच पे पॉइंट मारेंगे, यानी कि मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया मोरी का। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमारा मोरी का जो मार्किंग यानी कि मेजरमेंट्स, हमारा राउंड मोरी का जो राउंड है वो हमारा है 11 इंच। अभी यहाँ से हमें डिवाइड करना है दोनों तरफ 11 इंच को, तो हमारा कितना हो जाएगा, राउंड है हमारा 11 इंच, यानी कि यहाँ पे आएगा 11 इंच का हाफ कीजिए तो 5 एंड हाफ, यानी कि साढ़े पाँच। तो साढ़े पाँच पे हम यहाँ पे जाएंगे, और साढ़े पाँच पहले हम लेंगे ये टेप। आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। साढ़े पाँच पे आप इस तरह से डबल फोल्ड कीजिए टेप को। ओके अब यहाँ पे हमने जो मार्क लगाया है बीच में, वहाँ से साढ़े पाँच इधर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे, और इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी एक मार्क लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारी मोहरी की मेजरमेंट्स निकल गई है दोनों तरफ की। ओके अब हम चलते हैं ऊपर इसकी लाइन डालने के लिए। तो हमारा काफ, ये हमारा हो गया कमर, कमर से मोहरी के बीच का जो पार्ट है हमारा, तो ये हमारा काफ है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमारी मोहरी हो चुकी है, अब हम चलेंगे काफ की ओर। तो सबसे पहले हमारा जो थाई का है दोस्तों, देखिए थाई का हमने लिया था, हमारा है थाई, ये हमने फोर फोल्ड रखा है दोस्तों। तो थाई का हमारा हो जाता है, एक थाई का हमारा राउंड है 20, तो हम 10 करेंगे हाफ, और उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि थाई हमारी हो गई 12। देखिए यहाँ से हमारी थाई हो गई 12, और इस तरह से हम अब काफ। तो काफ कैसे निकालना है आपको, तो नीचे से आप मोरी से थाई का ऐसे लीजिए, आप इंची टेप रखे और डबल लीजिए इस तरह से। तो ये हमारी हो गई काफ, ये हमारी हो गई काफ, ये काफ का हमारा है दोस्तों 13 इंच। 13 इंच का हाफ हो जाएगा साढ़े छः, साढ़े छः पे हम मार्क लगाएंगे एक, साढ़े छः। ओके ये हम साढ़े छः पे मार्क लगा दिए, और अब हम आएंगे थाई से काफ का बीच का सेंटर हमारा रहेगा, देखिए जो हो जाएगा नी, ये हमारी हो गई नी। अब नी का है हमारा 14 इंच यानी राउंड, तो उसका हाफ हो जाएगा 7, 7 इंच पे हम अब एक मार्क लगाएंगे, ये हमारा 7 इंच, और सबको हम मिला लेंगे दोस्तों। तो देखिए हमने सबको इस तरह से मिला लिया है, हमें मार्जिन भी रखनी है, तो हम एक एक इंच सब में मार्जिन रख के इस तरह से हम मिला लेंगे, और उसके बाद हम अब कट करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हम निकाल लिए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 1 इंच आप एक्स्ट्रा लीजिए आगे, और एक कर्व डालिए इस तरह से। ओके तो देखिए हमने इधर मिला लिया, इधर मिला लिया, और ये हमारा जो है, जब आप मिलाते हो आए तो एक कर्व स्केल आता है, उससे आप ऐसे रख के इस तरह से, देखिए मैं बता देती हूँ, ये हमारा स्ट्रेट स्केल है, कर्व स्केल आता है, तो यहाँ पे आप जब रखेंगे तो ये कर्व आएगा। इस तरह का पार्ट को दोस्तों आप कर्व में लीजिए, मैं आपको हाथ से करके बता रही हूँ, देखिए ये कर्व, लेकिन इस तरह के पार्ट को आप स्ट्रेट लीजिए, और अब हम इसे कट कर लेंगे। इसमें एक चीज और मैं बता देती हूँ दोस्तों, ये पेंसिल पॉइंट है, तो इसके आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट अलग अलग करके भी काटते हैं, वो इसलिए किया जाता है, उसका रीजन भी बता देती हूँ। कमर पीछे का जो पार्ट होता है हमारा, वो उसमें 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा होता है, आप 1.5 इंच भी रखेंगे तो मैनेज हो जाता है, तो वो मैनेज करने के लिए, एक बैलेंस रखने के लिए किया जाता है। हाँ देखिए दोस्तों, ये हमने सब मार्किंग कर लिया है और मेजरमेंट्स करके, और लाइन भी डाल दिया है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि पेंसिल पेंट में कमर हम आगे पीछे का दोनों पार्ट का अलग भी करके ले सकते हैं, क्योंकि पीछे का पार्ट में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, जिससे पीछे हमें बैलेंस करने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मैं जिसका बना रही हूँ नॉर्मल ही है,
ज्यादा हेल्दी नहीं है इसलिए मैंने इक्वल लिया है। तो चलिए दोस्तों अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने इसे कट कर लिया है और इसे मैं आप आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ और इसके वो कैसे स्टिच करना है वो भी मैं बता देती हूँ। देखिए ये हमारा है, यहाँ से हम कट करेंगे दोस्तों। ये हमारा कमर है और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ, ये नहीं दिखा, ऊपर हमें इलास्टिक डालना है तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया। तो देखिए यहाँ हमारा मार्किंग है, ये 2 इंच का है और इसमें आप दो तरह का इलास्टिक डाल सकते हैं। ये हमारा 1.5 इंच का है और ये हमारा 1 इंच का है। ये दोनों इलास्टिक कमर में जाता है, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसे अब स्टिच करके आपको पूरा दिखाऊंगी। तो हमारा वीडियो कटिंग का, पेंसिल पेंट का कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हमारा एक और चैनल है दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उस पर मैं भगवान जी का वीडियो डालती हूँ, बहुत ही अच्छा अच्छा न्यू वीडियो बनाकर डालती हूँ, तो उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देख